गाइस, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आई एम रियली सॉरी कि मैंने इतने दिनों से वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं थोड़ी बीमार थी। तो आज मैंने सोचा चलो एक वीडियो शेयर कर लूँ अपने फ्रेंड से। तो और सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? और आज मैं कहीं पर जा रही हूँ तो आपको दिखाती हूँ, और अपनी ज़िंदगी के बारे में भी थोड़ा सा कुछ बताऊँगी, तो आप हमारे साथ रहिएगा। दिखाती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ पे आई हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। तो मैं एंटर हो चुकी हूँ अंदर। तो ये देखिए गाइस, मैं आ चुकी हूँ। मैंने आपको बताना था कि मैं पढ़ने के लिए आती हूँ। मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोग हैं जो मुझे ये कहेंगे, हंसेंगे मुझ पर कि ये अभी इतनी उम्र हो गई और ये पढ़ने जा रही है। तो पढ़ाई की उम्र नहीं होती, और वैसे मुझे बहुत शौक है पढ़ने का। तो टिकटॉक पे तो आप सब मुझे देखते हैं और यही सोचते हो कि काफ़ी पढ़ी लिखी है, लेकिन मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता। तो मैंने अपने बच्चों की मैडम से बात की, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे पास आया कर, मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो मैं पढ़ने के लिए आई हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो अभी जो है ना, काफ़ी ये मेरी खुद राइटिंग है, ये मैंने खुद लिखा है और ये मैं खुद पढ़ भी सकती हूँ। तो मुझे इतना शौक है, मैंने सोचा चले थोड़े से पढ़ लिख के जो खुदा का कलाम है वो भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये है कि चलो बच्चे पढ़ते हैं, उनका बच्चे से हम उनके टेस्ट ले सकते हैं, हम उनकी बुक्स खोल के देख सकते हैं कि उन्होंने आज क्या सीखा और क्या नहीं। तो अनपढ़ बंदों की तो आजकल कोई ज़िंदगी नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा चले मैं भी थोड़ा सा पढ़ लिख जाऊँगा। राशिद ने क्या तोड़ा था, राशिद ने जग तोड़ा था, वो छुप कर क्या पी रहा था, वो छुप कर शरबत पी रहा था, राशिद ने क्या फैसला किया, राशिद ने सच बोलने का फैसला किया, राशिद ने किसे सारी बात बताई, राशिद ने सारी सारी बात अम्मी को बताई। तो जी फ्रेंड, आपने देखा कि मैं पढ़ने के लिए आती हूँ, और काफ़ी लोग हैं जिनको नहीं ये पता है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ या नहीं हूँ। तो मुझे पता है कि आप काफ़ी जो है ना, इस बात से काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं, हंसते भी हैं कि इनकी उम्र देखो और इनके शौक देखो। तो पढ़ाई का तो कोई शौक नहीं होता, तो इसलिए मैं पढ़ने के लिए आती हूँ और मुझे बहुत खुशी है। और मेरे हस्बैंड भी खुश होते हैं कि चलें, वो बोलते हैं जैसी आपकी ज़िंदगी है, जैसा आप जीना चाहती हैं वैसा जिए। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो मेरी न्यू वीडियो है आप तक पहुंच जाए। सो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।